पंजाब में आम इंतखाबात 30 अप्रैल को कराने का ऐलान। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने मंजूरी दे दी। इलेक्शन कमीशन का भी अहम इजलास हुआ। 30 अप्रैल से 7 मई के दौरान इंतखाबात की तजवीज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन अपने आईनी और कानूनी फराइज अंजाम देने के लिए तैयार है। इमरान खान इंतखाबी मुहिम की क्यादत के लिए तैयार। डॉक्टर्स ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया। इमरान खान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे। क्यादत को इंतखाबी जलसों के लिए शेड्यूल बनाने की हिदायत। इमरान खान कहते हैं, जिन्होंने मेरी हिफाजत करनी है मुझे उन्हीं से खतरा है। पीटीआई के नजरबंद रहनुमाओं कारकुनान को रिहा करने का हुक्म। हाईकोर्ट ने एमपीओ के तहत नजरबंदी का हुक्म मुअत्तल कर दिया। पंजाब हुकूमत समेत फरीकेन से 7 मार्च को जवाब तलब। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, वलीद इकबाल, आजम सवाती समेत सैकड़ों कारकुन जेलों में नजरबंद हैं। आईजी जेल मियां फारूक नजीर की तायुनाती का नोटिफिकेशन मुअत्तल। हाईकोर्ट ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने 27 मार्च को जवाब तलब कर लिया। मियां फारूक नजीर ने गुज़िश्ता रोज आईजी जेल का चार्ज संभाला था। स्मोक का राज बरकरार। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में फिर पहले नंबर पर आ गया। आलूदगी की शरह 189 रिकॉर्ड की गई। डिफेंस में 314 और पोलो ग्राउंड में शरह 284 रिकॉर्ड की गई। शहर के मौसम में खुनकी बरकरार। दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की मॉडल टाउन में मखदूम हाउस में आमद। सदर जनूबी पंजाब सैयद अहमद महमूद से मुलाकात। अहम अमूर पर बातचीत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी घड़ी शाह भी गए। जियाले मानी पहलवान मरहूम के लवाहिकीन से दुख का इजहार किया। फातिहा खानी की। राणा फारूक सईद, असलम गिल, अजीजुर्रहमान चंद भी उनके हमराह थे। गैर मुल्की सरमायाकारों की रूडा में दिलचस्पी। सीईओ रूडा इमरान अमीन की दुबई में अहम मुलाकातें। यूएई की वजारत खजाना समेत दीगर नुमाइंदगान से भी मिले। सरमायाकारी के मौकों पर बातचीत की गई। आपारा सोसाइटी में खवातीन के पार्क का इफ्तिताह। सदर नून लीग लाहौर सैफुल मुल्क होकर ने फीता काटा। हाजी जमील अली अकबर, जाहिद खान, मोहम्मद हनीफ भी हमरा थे। बरकी रोड में यूटिलिटी स्टोर्स का इफ्तिताह। एमएनए राना मुबशिर इकबाल, तला बरकी, मोहम्मद नवाज, इमरान जावेद समेत दीगर ने भी शिरकत की। हुक्मरानों की नाअहली के बायस मुल्क डिफॉल्ट के करीब है। इंतखाबी इस्लाहात के लिए सियासी जमातों का इत्तेफाक राय नागुजिर है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मजलिस शोरा से खिताब। हजरत मोइनुद्दीन नबी गफ्फार हुसैनी अल मारूफ पीर सैयद मिठा के उसकी तकरीबात जारी। दूसरे रोज हाजी मकसूद भट्ट की हवेली में महफिल नात। अकायद ओ जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अकीदत के फूल निछावर। शाहिद मकसूद भट्ट, जाहिद मकसूद भट्ट, मुजाहिद मकसूद भट्ट की शिरकत। अमजद इस्लाम अमजद मरहूम की याद में ताजियत इजलास। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में तकरीब रखी गई। अली जिशान, सऊद उस्मानी, एजाज रिजवी, सजाद बलोच, अम्बरीन सलाहुद्दीन की शिरकत। अलखिदमत फाउंडेशन ने भी यादों की महफिल सजाई। सजाद मीर, मुजीबुररहमान शामी का अमजद इस्लाम अमजद को खिराज अकीदत। बागे जना में पहले इंटरनेशनल स्केट बोर्ड का इफ्तिताह कर दिया गया। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा, डीजीपीएसए की शिरकत। नौजवान खिलाड़ियों को हफ्ते में 3 दिन मुफ्त स्केटिंग सिखाई जाएगी। कमिश्नर ने जश्न बहारा के प्रोग्राम्स के बारे में भी बताया। जश्न बहारा 5 से 12 मार्च तक जारी रहेगा। रंगरेज आर्ट गैलरी में फनपारों की नुमाइश। लाहौर की तहजीब और सकाफत को उजागर किया गया। अनिला अदनान, हुसनैन चांडियो, एजाज आफीदी समेत दीगर के काम की भी तारीफ की गई। मंटो की जिंदगी पर मबनी डॉक्यूमेंट्री भी पेश की गई। सेंट्रल पार्क सोसाइटी में 3 रोजा जश्न बहारा फेस्टिवल। फैमिलीज की बड़ी तादाद में शिरकत। खाने खाए, बच्चों ने झूले झूले, नामवर फनकारों ने भी खूब रंग जमाया। पाकिस्तान सुपर लीग के टाकरे जारी। लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान आज आमने सामने होंगे। कलंदर पॉइंट टेबल पर सर फहरिस्त, सुल्तान दूसरे नंबर पर है।
अलहमरा आर्ट सेंटर में 3 रोजा फिल्म फेस्टिवल का आगाज हो गया। पहले रोज नौजवान फिल्म मेकर्स की 10 शॉर्ट फिल्म्स दिखाई गईं। सवालात और जवाबात का सेशन भी हुआ।